हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाग स्टडी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि एनसीईआरटी ने अभी हाल ही में नोटिस जारी किया हुआ है वैलिडिटी पीरियड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो है सीटीईटी के वैलिडिटी से रिलेटेड, आप सबको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री द्वारा ये घोषणा किया गया था कि जो सीटेट की वैलिडिटी है और जितने भी स्टेट की जो टेट होती है उसकी वैलिडिटी को मैक्सिमम जो 7 ईयर हुआ करती थी, ठीक है, कई स्टेट में 5 ईयर भी हुआ करती थी, तो जो 7 ईयर हुआ करती थी उसको बढ़ा करके अब लाइफ टाइम कर दिया जाएगा। यानी कि अब एक बार सीटेट या फिर कोई भी टेट क्वालिफाई करने के बाद दोबारा कभी भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी की रिगार्डिंग जो है नोटिस जारी किया हुआ है, लेकिन उस नोटिस में ये कहा गया है कि कोई भी जो है रिवाइज्ड सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा सीटीईटी के द्वारा। ठीक है, सीटीईटी के द्वारा यानी कि सीबीएसई के द्वारा सीटीईटी के मार्कशीट से रिलेटेड कोई भी रिवाइज्ड सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है, अभी आगे हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको, ठीक है, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है 21/6/2021 को जारी किया गया है। ठीक है, 21/6 को इस नोटिस को जारी किया हुआ है और ये जो है वैलिडिटी से रिलेटेड ही, वैलिडिटी के रिगार्डिंग जो है ये नोटिस को जारी किया गया है। और इस नोटिस में क्या कहा गया है आप देख सकते हैं। इस नोटिस में ये कहा गया है कि, चलिए सरल शब्दों में मैं बता देता हूँ, इस नोटिस में ये कहा गया है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर सीटीईटी के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, ठीक है, जितने भी सर्टिफिकेट, जो क्वालिफाइंग वाले जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनके लिए वो दोबारा से रिवाइज्ड सर्टिफिकेट जारी नहीं करने वाला है। और वो रिवाइज सर्टिफिकेट इसलिए जारी नहीं करेगा कि सीबीएसई का ये कहना है कि जो भी सीटीईटी क्वालिफाइंग जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनको रिवाइज सर्टिफिकेट जारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसको जो है जितने भी सर्टिफिकेट हैं जिसकी वैलिडिटी 7 ईयर वहाँ पर दी हुई होगी, आप लोग अपने सर्टिफिकेट में देख सकते हैं, तो जो 7 ईयर की वैलिडिटी जो दी हुई है उसको लाइफ टाइम ही माना जाएगा। यानी कि बिना रिवाइज सर्टिफिकेट जारी किए उसको लाइफ टाइम माना जाएगा। जो भी सर्टिफिकेट है उनको लाइफ टाइम सर्टिफिकेट की तरह ही देखा जाएगा। इस वजह से सीटीईटी ने ये कहा हुआ है, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसने ये कहा हुआ है कि कोई भी रिवाइज सर्टिफिकेट जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसी सर्टिफिकेट को जो है लाइफ टाइम ही माना जाएगा। और आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, कोई भी नई सर्टिफिकेट जारी नहीं की जाएगी, जो आपकी ओल्ड सर्टिफिकेट है और उसी को जो है लाइफ टाइम आप लोग मान सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये मेंशन किया हुआ है कि अगर अप्रोप्रिएट, ठीक है, जो भी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट जो है उसको एक चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी जो है नोटिस नहीं निकाला जाता है इसको रद्द करने के लिए, ठीक है, तब तक इसको लाइफ टाइम माना जाएगा। अगर हो सकता है कभी गवर्नमेंट का ये मूड बने कि जो सर्टिफिकेट है उसको, हालांकि एक बार लाइफ टाइम कर देने के बाद तो उसको फिर से उस फैसले को वापस लेना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट में काफ़ी जो है नाराज़गी देखने को मिलेगी। तो ऐसा कोई गवर्नमेंट वैसे तो करेगा नहीं, बट इसमें यही दिया हुआ है कि अगर कोई गवर्नमेंट इसके लिए अगर कोई नोटिस नहीं निकालता है इसको बंद करने के लिए, तो ये जो है हमेशा के लिए इसको लाइफ टाइम जो है माना जाएगा। तो इस नोटिस के ज़रिए आप लोग आप निश्चिंत हो सकते हैं, आप लोग ये मानकर चल सकते हैं कि आपकी जो सी टेट की वैलिडिटी है, चूँकि ये सी टेट के लिए ये नोटिस है, ठीक है, तो जितने भी सी टी टी पास जो कैंडिडेट हैं, सी टी टी क्वालिफाई वाले कैंडिडेट हैं, वो आप अपने सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम मान सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यही एक जानकारी देनी थी आप लोग को। और आई होप आप लोग जितने भी इस चीज़ से अवेयर नहीं रहे होंगे, ये जानकारी जितनी को भी नहीं रही होगी वो अभी इस जानकारी को पूरी तरह से उनको क्लियर हो गई होगी। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।